क्या रे, मैं तुझे सुबह से फोन करूं, तेरा नंबर नॉट रिचेबल आ रहा था। माँ, सिर्फ नंबर ही नहीं, तुम्हारा बेटा भी नॉट रिचेबल हो गया है। माँ, क्यों रे, क्या हुआ तुझे? माँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम्हारे बेटे को प्यार हो गया है। माँ, प्यार? कितनी अच्छी गुड न्यूज दी तुमने, तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहिए। कौन है वो लड़की, कैसी दिखती है वो? धनलक्ष्मी है माँ, तुमने दशहरे में मुझे एक जो डॉल दिलवाई थी ना, बिल्कुल वैसी दिखती है। मूनलाइट जैसा दिखने वाला उसका चेहरा, फ्लावर वॉश की तरह उसकी स्माइल, अगरबत्ती के धुएं की तरह उसके बाल, बर्थडे कैंडल की तरह उसकी आंखें, चैन से वो छोटी बच्ची की तरह सोई है। उसे देखकर तो मैं ऐसा लग रहा है कि कोमा में चला जाऊंगा। माँ, तू ये जो कुछ कह रहा है ना, उसे सुनकर मुझे लग रहा है मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रही हूँ। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा देर मत कर, जल्दी से उसे ले आ। आज के बाद मैं हेयर डाई लगाना छोड़ रही हूँ। वो क्यों? अरे मैं सास बनने वाली हूँ ना। ए, तुम्हारे पापा आने वाले, मैं बाद में करती हूँ। ठीक है माँ, रखता हूँ। ए, मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं, तेरी मर्जी और तेरे पापा की मर्जी। ये लीजिए, बात कीजिए। कौन है? शायद कट हुआ होगा। कट हो गया? हेलो। ए, हमारा वैलेंटाइन डे मनाने का सपना पूरा नहीं हुआ। माँ की तबीयत बिगड़ गई है, और अगर मैंने अभी उनसे कहा कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, नहीं मैं उन्हें नहीं बता सकती। पर मैं तुम्हारे साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं बता सकती कि दैट्स नॉट ट्रू। तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड नहीं हो, यू आर मच मोर देन दैट। वो क्या है कि मेरी अरेंज मैरिज होगी, सो तुम मुझसे दूर रहो, ओके? स्माइल। लोगों के माँ बाप होते हैं तो वो लव मैरिज करना चाहते हैं। दो किलो टमाटर दे दो। मेरे जैसे अनाथ लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। प्याज भी दे दो, दो किलो। मेरी मैरिज अरेंज मैरिज कर। ए, अरे इतना सोच में क्यों पड़ा भाई, हम सब तेरे साथ है ना, अरेंज मैरिज करनी है ना। कल तू एक काम कर, पूरी सफेद ड्रेस में आ जाना, हम जो है ना अक्षदा साड़ी फूल फल स्वीट और बहुत कुछ लेकर आ जाएंगे। उस लड़की के घर जाकर मंगनी कर लेंगे, सब कुछ फिक्स कर देंगे। रंगा भाई, आपका और मेरा पिछले जन्म का कोई नाता लगता है। ए, रो मत, सुन, मैं पिछले जन्म के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इस जन्म का तूने मेरा 10,500 रुपया बैलेंस देना है, वो दे दियो भाई। सुन, कम से कम बजट में एक बढ़िया सी कार लेकर आना, समझे? हम इसका रिश्ता उसी गाड़ी में बैठकर करने जाएंगे। Excuse me, टीटी सर, ट्रेन कितनी देर में आने वाली है? अभी 5 मिनट में आएगी। पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रेन 5 मिनट नहीं बल्कि 5 घंटा लेट होती तो और भी अच्छा होता। लेकिन क्यों?
तब तक तुम मेरे साथ जो रहोगी, इसलिए जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है, और तुम चली जाओगी तो ऐसा लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, अब तक मैंने इतनी स्पीड से बाइक चलाई थी, मुझे पहले इतना टेंशन नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं आज बाय हार्ट करने वाला लेसन हाई स्कूल टीचर के सामने बताने के लिए प्राइमरी स्टूडेंट की तरह मेरा दिल धक धक कर रहा है। वेदर कूल होने के बावजूद भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा दिल एक्वेरियम से बाहर आने के लिए तड़पने वाली मछली की तरह बार बार धड़क रहा है। हार्ट बीट नॉन स्टॉप बज रही है। अगर सिम्टम्स देखे जाएं, तो डेफिनेटली लव फीलिंग्स लग रही है। आई लव यू धनलक्ष्मी। वही बता रही हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरे पेरेंट्स और फैमिली से बढ़कर ना तो कोई था और ना होगा, वही मेरे सब कुछ है। I'm really sorry, मुन्ना। धनलक्ष्मी, तू हम लोगों से पहले ही यहाँ पहुँच गई। हाँ, तेरा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? Of course, अच्छा ही रहा होगा, इसलिए तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गई। हाय, हेलो, हाय, देखो माँ ये। हेलो आंटी। हाय माँ। हाय। हाय बेटा। हाय माँ। रेस में तुम्हारे भैया जीते क्या? जी माँ। एट लास्ट मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आर यू हैप्पी? हाँ माँ। कम, लेट्स गो। ओ, तो यही घर है क्या? परमे, हम यहाँ आएंगे पहले से बता दिया था क्या? नहीं, शायद अंदर कोई फंक्शन चल रहा है, मैं देख के आता हूँ। हाँ, जल्दी जा के आओ। लड़का बहुत सुंदर है ना? हाँ। अनन्या, अचानक मंगनी फिक्स होने से हमें लगा था जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन लड़का तो सॉरी, मैंने एक साथ दो कॉफी दे दिया। अनन्या, आजकल तुम बहुत बिजी लगती हो। इस सब परमी की वजह से। लाइफ में ऐसे अच्छे ऑफर को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। हाँ, वन सेकेंड। हेलो। हेलो अनन्या। हाँ, मैं राहुल। तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं अस्पताल में भर्ती कराया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? रक्षा हॉस्पिटल। माँ, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है। हाय राहुल। हाय। डॉक्टर ने क्या कहा? परेशानी की कोई बात नहीं है, ड्रिप्स दे दिया है, वो पुरानी रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, देख लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। माँ क्यों तकलीफ उठा रही हो? अनन्या से मैं प्यार करता हूँ, ये बात मेरी माँ ने कही होगी। शादी के बाद आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, और आपको कोई एतराज तो नहीं?
मैं अपने माता पिता को आपके पास बात करने के लिए भेजता हूँ।